यदि आपके जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा है, धन की कमी की वजह से आप परेशान हैं, तो कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर अपने भाग्य को बदलने के लिए तैयार हो जाइए। कान्हा को 5 चीज़ें अर्पित करिए। भगवान कृष्ण की कृपा से आपके जीवन की सारी परेशानी दूर हो जाएंगी और जल्द ही उन्नति के रास्ते खुल जाएंगे। भगवान कृष्ण को तुलसी दल बहुत प्रिय है, इसलिए भोग लगाते समय कान्हा को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। माखन मिश्री बाल गोपाल को बहुत पसंद है। माखन मिश्री का भोग लगाने से कान्हा बहुत प्रसन्न होते हैं। पीले रंग के फल प्रसाद के रूप में कृष्ण जी को अर्पित करने से धन दौलत की प्राप्ति होती है और भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। मोरपंख भगवान कृष्ण के मुकुट में अवश्य लगाएं, इससे कृष्ण जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। पीतांबरी कान्हा को बहुत प्रिय है, इसलिए अपने कान्हा जी को पीले वस्त्र अर्पित करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। किन बातों का रखें ख्याल? ये 5 चीज़ें आप अपने घर के मंदिर में या किसी ऐसे मंदिर में जाकर अर्पित कर सकते हैं जहां कान्हा का जन्मदिन पूरे भक्ति भाव से मनाया जा रहा हो। स्नान करके साफ वस्त्र पहनकर ही भगवान कृष्ण की प्रतिमा को स्पर्श करें। भगवान कृष्ण को अर्पित की जाने वाली सभी चीज़ों में पहले गंगा जल छिड़ककर पवित्र कर लें। सभी चीज़ें दाहिने हाथ से भगवान कृष्ण को अर्पित करें। तुलसी दल, माखन मिश्री और पीले फल प्रसाद के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवश्य बांटें। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल केसरी राधे कृष्णा श्रृंगार को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।